अस्सलाम वालेकुम साथियों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं बनाऊंगी चने की दाल और पालक का सालन। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें मैंने ली है चने की दाल। इसको मैंने धो के 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, प्याज, टमाटर और ये मैंने पालक ली है। इसको मैं धो के काट लूँगी। सबसे पहले हम ये जो दाल है इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे कुकर में डाल के। ये चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अब इसमें ये जो दाल मैंने भिगो के रखी थी इसको शामिल कर लेंगे। अब इसमें हम ये नमक, मिर्च और हल्दी शामिल कर देंगे। साथ में ये प्याज और टमाटर जो काट के रखा था ये भी शामिल कर देंगे। कुकर को बंद कर देंगे। ढक्कन लगा देंगे। तब तक हम अपनी पालक को काट के तैयार कर लेंगे। पालक मैंने काट ली है, धो लिया इसको। अब मैं तड़का तैयार कर लूँगी। इसके लिए लिया मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर डालेंगे तड़के में। सबसे पहले मैं फ्राई पैन को चूल्हे पर रख लूँगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। अब इसमें यह कटा हुआ प्याज और लहसुन शामिल करूंगी। ये पालक मैंने कुकर के अंदर शामिल कर दी है। थोड़ा सा पानी भी अंदर शामिल किया है ताकि पालक हमारी अच्छी तरह गल जाए। आप इसका ढक्कन लगा के पकाएंगे इसको। पालक हमारी गल चुकी है। अब इसमें हम ये तड़का शामिल करेंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ सूखा धनिया, डिश में निकाल लेंगे। मज़ेदार सी पालक दाल हमारी बनके तैयार है। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।